हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट चैप्टर की वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। यानी वर्ड प्रॉब्लम ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो वर्ड्स की फॉर्म में दिए हों और आपको उसको सॉल्व करना है। तो शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन है, 5929 स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन एन ऑडिटोरियम इन सच अ मैनर दैट देयर आर एज मैनी स्टूडेंट्स इन अ रो एज देयर आर रोज इन द ऑडिटोरियम। हाउ मैनी रोज आर देयर इन द ऑडिटोरियम। सबसे पहला काम है क्वेश्चन को समझना। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इतने स्टूडेंट, 5929 स्टूडेंट्स जो है वो एक ऑडिटोरियम में बैठे हैं, ऐसे तरीके से, इन सच अ मैनर, ऐसे तरीके से बैठे हैं कि, अब ये लाइन ध्यान से देखो, देयर आर एज मैनी स्टूडेंट्स इन अ रो। एक रो है, मान लो ऑडिटोरियम में ऐसे बैठे हैं, ठीक है, ये रोज है, मान लेते हैं 5 रोज है, तो ऐसे बैठे हैं कि जितनी रोज है उतने ही बच्चे हैं एक रो में। फिर से देखो लैंग्वेज, देयर आर एज मैनी स्टूडेंट्स इन अ रो एज देयर आर रोज इन एन ऑडिटोरियम। तो अगर 5 रो है, मान लो एक रो, रो नंबर 2, रो नंबर 3, रो नंबर 4, रो नंबर 5, 5 रोज है, तो इस रो में 5 ही बच्चे हैं, ऐसे ऐसे बैठे हुए, ठीक है, हर एक रो में 5-5 बच्चे हैं। अब ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कॉन्सेप्ट समझ लो। अगर ऐसा कुछ लिखा हो कि रोज कितनी है और उस रो में भी उतने ही बच्चे हैं जितनी रो है, ऐसा कुछ है, तो सीधी सी बात है, आपको जो भी नंबर दिया है उसको रूट निकालना है, वो आपका आंसर होगा। क्यों ऐसा होता है उसको समझो। देखो मैं एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे 5 रो है मान लो और 5 ही बच्चे हैं, तो 5 रो 5 बच्चे, मान लो यहाँ पे भी 5 है, 1, 2, 3, 4, 5, इसी तरह इसमें भी 5 है, तो एक्चुअल में ये 5 रो में 5 बच्चे कितने हो गए, 5 × 5 = 25, तो उसका स्क्वायर ही तो हुआ। तो इस क्वेश्चन को मान लो मैं ये बोलती हूँ कि पूरे ऑडिटोरियम में 25 बच्चे हैं और ऐसे बैठे हैं कि जितनी नंबर ऑफ रोज हैं उतने ही इस रो में बच्चे हैं, ठीक है। तो मैं क्या पूछ रही हूँ एक्चुअल में, इसका रूट निकालने को बोल रही हूँ, क्योंकि रूट ही इसका आंसर होगा। क्यों? क्योंकि 5 × 5 करेंगे तो 25 आ जाएगा, और रो जितनी है उतने ही बच्चे, इसका मतलब सेम नंबर को आप दो बार मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो उसका आंसर आ रहा है 25, राइट। तो ये सेम नंबर क्या होगा, तो अल्टीमेटली क्या पूछ रहा है, रूट पूछ रहा है, सिंपल। अगर ये समझ आ गया तो अब सीधा क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें 25 नहीं है, इसमें जो है 5929 है, तो 5929 का हम रूट निकालेंगे। तो रूट कैसे निकालते हैं, 5929 का प्राइम फैक्टराइजेशन से हम उसका एलसीएम लेते हैं, तो ये जाएगा 3 से भी नहीं जा रहा, इट विल गो विद 7, तो यहाँ पे आएगा 847, देन अगेन इट विल गो विद 7, 121, देन 11, देन 11 इधर आएगा, 11 एंड 1, ठीक है। तो 5929 को, ये मैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ कर रही हूँ इसका रूट निकालने के लिए। लॉन्ग डिवीजन भी कर सकते हो, आपको जो आसान लगता है आप उससे कर सकते हो, दोनों की वीडियोस मैं बना चुकी हूँ, प्लीज़ उनको देख लेना। तो 5929 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 7 पेयर में से एक 7 निकाल लो, इस 11 के पेयर में से एक 11 निकाल लो, तो 77 आपका आंसर है। बेसिकली इसका रूट जो है वो है 77। इसका मतलब क्या है, 77 बच्चे हैं एक रो में और 77 ही रोज है, ठीक है। अगले क्वेश्चन है, A general wishing to arrange his men who are 335250 in numbers in the form of a square found that there were 9 men left over. How many were there in each row? एक general जो है अपने आदमियों को arrange करना चाह रहा है एक square formation में, ठीक है, मतलब उनको ऐसे ही जैसे पिछले question में हमने बनाया था उसी तरह से अरेंज कर रहा है स्क्वायर में, यानी कि रोज होंगी और उस रोज में कुछ आदमी खड़े होंगे, ठीक है। सो क्वेश्चन बोल रहा है कि हु वर 335250 इन नंबर्स, तो टोटल जो आदमी थे वो थे 335250, इतने टोटल थे और ये स्क्वायर फॉर्म में खड़े हो गए। तो जब सारा स्क्वायर बन गया, स्क्वायर का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे स्क्वायर का मतलब है जितनी रो होंगी उतने ही लोग एक रो में होंगे, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको समझाया था, ठीक है, तभी स्क्वायर बनेगा। अब जब स्क्वायर बना दिया तो क्वेश्चन बोल रहा है कि 9 लोग एक्स्ट्रा थे, एक्स्ट्रा बच गए,
हाउ मेनी वर देयर इन ईच रो, तो आपको बताना है कि कितने लोग इस एक एक रो में कितने लोग खड़े थे, राइट? अब पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले समझ लो कि करना क्या है। हमारे पास जो ये नंबर है ना 3 3 5 2 5 0, ये इस स्क्वायर और 9 को मिलाकर है, यानी कि स्क्वायर भी पूरा बन गया और 9 एक्स्ट्रा बच गए, तो ये टोटल नंबर तो ये था ना, तो स्क्वायर नंबर ये नहीं है। कहने का मतलब है 3 3 5 2 5 0 एक स्क्वायर नंबर नहीं है, उसमें कितना एक्स्ट्रा है, 9 एक्स्ट्रा है। तो अगर मुझे इसको एक स्क्वायर नंबर बनाना है तो मुझे माइनस करना होगा 3 3 5 2 5 0 में से 9 को हटाना हो, ठीक है, क्योंकि 9 एक्स्ट्रा है। तो 9 को माइनस करोगे यू विल गेट 3 3 5 2 4 1। अब ये एक परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि ये इतने लोग यहाँ पे खड़े हैं और एक स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो आप बस इसका स्क्वायर निकाल लो, यू विल गेट योर आंसर कि कितने रोज बने हुए हैं। इसका रूट निकाल लो, सॉरी, रूट कैसे निकालेंगे, शुरू करते हैं। हमारे पास 3 3 5 2 5 0 में से 9 माइनस करके आया था 3 3 5 2 4 1। रूट कैसे निकालते हैं, आप इसका एलसीएम लोगे, ठीक है, 3 3 5 2 4 1। अब एलसीएम लेने में बहुत टाइम लगेगा, मैंने ऑलरेडी लिया हुआ है, वीडियो को मैं बहुत लंबा नहीं करना चाहती, मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस कराने हैं, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख रही हूँ कि इसको हम किस किसकी मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 193 मल्टीप्लाइड बाय 193, ठीक है। सो ये पेयरिंग बनेगी, 193 एक प्राइम नंबर है बेसिकली, किसी से भी डिवाइड नहीं होता है, तो 3 से एक पेयर निकाल लो आप 3, और 193 से आप एक पेयर निकाल लो मल्टीप्लाइड बाय 193। तो 3 into 193 इज 579, सॉरी 579। तो इतनी रोज बनी है और इतने ही नंबर ऑफ लोग हैं एक रो के अंदर, ठीक है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 1575 एंड देयर क्वेश्चन इज 9/7, फाइंड द नंबर्स। तो प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। तो दो नंबर्स हैं, एक मान लेते हैं ये और एक मान लेते हैं ये, हमें डैश इसलिए डाला है मैंने कि हमें नहीं पता कि कौन से नंबर्स हैं, ठीक है। तो इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट जो है यानी मल्टीप्लीकेशन इज 1575। एक तो ये बात बोल रहा है, ठीक है, इसको नाम दे देते हैं फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा क्या कह रहा है, एंड देयर क्वेश्चन इज 9/7। क्वेश्चन का मतलब है जब मैं इन दोनों नंबर्स को, मान लो यहाँ एक नंबर है और यहाँ एक नंबर है, दोनों को डिवाइड करूंगी तो वो है 9/7, ठीक है। ये बन जाएगी आपकी सेकेंड इक्वेशन। तो अभी इन दोनों में हमें नंबर्स नहीं पता, तो जब हमें कोई चीज़ नहीं पता होती तो हम उसको वेरिएबल की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस फर्स्ट इक्वेशन में मैं एक नंबर ले लेती हूँ एक्स और एक ले लेती हूँ वाई। तो एक्स इंटू वाई है 1575, और इसमें भी उन दोनों को अगर मैं डिवाइड करूँ तो एक्स डिवाइडेड बाय वाई कितना है, 9/7। तो आपकी दोनों इक्वेशन आपके सामने है। अब हम एक मेथड यूज करेंगे जिसमें हम एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल कर उस वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में पुट करते हैं और आंसर निकालते हैं। इस मेथड को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो क्या है ये, कैसे करना है, देखो पहली इक्वेशन है आपके पास एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई इक्वल्स टू 1575, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ से वाई को इधर ही रखूँ और एक्स को उधर ले जाऊँ तो 1575 ये हो जाएगा डिवीजन में एक्स, ठीक है। तो यहाँ से मुझे वाई की वैल्यू मिल गई। आप ऐसे एक्स की वैल्यू भी निकाल सकते हो, आंसर तब भी सेम आएगा। वाई की वैल्यू मुझे मिल गई 1575/x। अब इस वैल्यू को मैं सेकेंड इक्वेशन में पुट करूंगी, डालूंगी। सेकेंड इक्वेशन क्या है, एक्स अपॉन वाई इक्वल्स टू 9/7। तो जहाँ पे वाई है, एक्स की जगह पे एक्स रहने दो, जहाँ पे वाई है उधर आ जाएगा 1575/x। ये बड़ा डिवीजन है तो कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ये बड़ा वाला डिवीजन है, इक्वल्स टू 9/7, ठीक है। अब ऐसे दो डिवीजन से बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं और क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। जिसको समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, ये एक्स जो है ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। जिसको नहीं समझ आता है, कन्फ्यूजन होती रहती है, तो गलत करने से अच्छा है कि आप इसको इस तरह लिख लो, एक्स डिवाइडेड बाय 1575/x, ठीक है।
आप इस बड़े डिवीजन को ना लगाकर, यानी डबल डिवीजन का साइन ना लगाकर आप एक ऐसा डिवीजन का साइन लगा लो, इससे थोड़ा सा इजी रहेगा। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, एक्स मल्टीप्लाई हो जाता है डिवीजन का साइन, और ये नेक्स्ट वाला जो नंबर है वो रेसिप्रोकल हो जाता है, एक्स ऊपर चला जाएगा नीचे आएगा 1575 इक्वल्स टू 9/7। ठीक है, आगे देखते हैं, नेक्स्ट स्टेप आपका होना है, ये हो जाएगा ऊपर एक्स स्क्वायर अपॉन 1575 इक्वल्स टू 9/7। अब हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स स्क्वायर को इधर ही रखो और 1575 को उस साइड भेज दो, तो 9/7 ये उधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई 1575। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 7, और ये कैंसिल होंगे किससे, 7 2 14, 7 2 14 एंड 7 5 35। ठीक है, तो 9 × 2 = 25। अब मैं इसको ध्यान से समझना, एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये आई है, तो मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो इस पूरे को मुझे किसी ना किसी तरह स्क्वायर, मतलब फैक्टर्स बना के लिखना पड़ेगा, जिससे मुझे किसका स्क्वायर है पता चल जाए। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, एक्स स्क्वायर इधर ही रहने देते हैं, 9 को हम ब्रेक करते हैं फैक्टर्स की फॉर्म में, 3 × 3 लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर मैं 2 2 5 को ब्रेक करूं, इसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम ऑफ 2 2 5 वुड बी, इसको सबसे पहले जाएगा 3 से, 3 7 21, 3 5 15, देन अगेन 3 से, 3 2 6, 3 5 15, देन 5 से, 5 5 25, फिर 5 से एंड 1। तो इस 2 2 5 के जो फैक्टर्स हुए वो हुए 3 × 3 × 5 × 5। अब ध्यान से समझना, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, देखो 3 का एक पैर हो गया, ये 3 का एक पैर हो गया, और ये 5 का एक पैर हो गया। इसका मतलब क्या है, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 3 × 3 × 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये तीनों दो बार मल्टीप्लाई हो रहे हैं, राइट। तो स्क्वायर स्क्वायर सेम है, हटा दो, एक्स इक्वल्स टू 3 × 3 × 5 विच विल गिव यू 45। तो आपका आंसर जो है वो 45 है। क्या पूछा था, आपको नंबर्स निकालने थे, तो एक्स की वैल्यू 45 आई है, यानी एक्स आपका एक नंबर था, तो एक नंबर की वैल्यू आपको मिल गई है 45। अब दूसरे की वैल्यू कैसे निकालोगे, देखो आपको पता है कि एक्स मल्टीप्लाइड बाय वाई कितना था, 1575, और एक्स की वैल्यू आपके पास आ गई है 45, तो 45 × y इक्वल्स टू 1575, तो वाई की वैल्यू सिर्फ निकालनी है, तो 1575 / 45 कर दो, यू विल गेट योर आंसर। जब इसको डिवाइड करोगे आपके पास आएगा 35, ये आपकी वाई की वैल्यू है। सो एक्स इक्वल्स टू 45 एंड वाई इक्वल्स टू 35 इज योर फाइनल आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय ईच वन ऑफ द नंबर्स 8, 9 एंड 10। देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझना, आपसे पूछ रहा है कि सबसे छोटा नंबर निकालो, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, एक सेकेंड, आपसे पूछ रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय ईच वन ऑफ द नंबर 8, 9 एंड 10। एक ऐसा नंबर आपको बताना है जो 8 से 9 से और 10 से तीनों से डिवाइड हो जाए। तो आपको पता है ऐसा नंबर अगर निकालना हो तो आप इनका एलसीएम लेते हो, ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्यों निकालते हैं हम एलसीएम, देखो अगर कोई भी नंबर है जो 8 से भी डिवाइड होगा, 9 से भी डिवाइड होगा और 10 से भी डिवाइड होगा, तो इसका मतलब है कि वो नंबर जो भी है वो तीनों की टेबल में आता होगा, तीनों की टेबल यानी तीनों में से तीनों का ही मल्टीपल होगा। तो इसीलिए हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालते हैं, क्योंकि हमें पता है तीनों का मल्टीपल होगा, राइट। तो सबसे पहला काम यही करते हैं, 8, 9 और 10 का एलसीएम ले लेते हैं, 8, 9 एंड 10। सबसे पहले 2 से, 2 4 8, 9 एंड 5, देन अगेन 2 से, 2 2 9 एंड 5, देन फिर से 2, दिस इज 1 9 एंड 5, अब जाएगा ये 5 3 से, सॉरी 1 3 एंड 5, देन 3 1 1 5 एंड 5 1 1 1। जब तक 1 1 1 ना आ जाए तब तक आपको ये करते रहना है, ठीक है।
सो हमारे पास एलसीएम क्या आएगा, आप इन सबको मल्टीप्लाई करोगे, 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5 सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो एल सी एम वुड कम 360 डिग्री, नॉट डिग्री सॉरी, 360, ठीक है। सो अब 360 जो है एक ऐसा नंबर है जो तीनों से डिवाइड हो जाएगा, ये तो है, ये तो आ गया, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, स्मॉलेस्ट नंबर, इस बात पे ध्यान देना, वो पूछ रहा है स्मॉलेस्ट नंबर बताओ जो तीनों से डिविजिबल है। अब देखो 360 के अगर मैं फैक्टर्स देखूं तो 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5, अच्छा यहाँ क्वेश्चन में मैं एक वर्ड लिखना भूल गई हूँ, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। तो ये स्मॉलेस्ट तो है, 360 डिग्री, 360 जो है स्मॉलेस्ट नंबर तो है लेकिन स्क्वायर नंबर नहीं है, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसको स्क्वायर नंबर बनाना पड़ेगा, और अगर 360 जो है इन तीनों से मल्टीप्लाई हो रहा है तो कोई ऐसा नंबर होगा जो 360 के टेबल में ही आता होगा आगे, जो एक स्क्वायर नंबर होगा, हमें वो ढूंढना है, ठीक है। कोई ऐसा नंबर जो 360 का भी मल्टीपल हो, क्यों, अगर 360 का मल्टीपल होगा तभी तो 8, 9 और 10 का भी मल्टीपल रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहला नंबर जो 360 की टेबल में आता हो जो 8, 9, 10 से डिवाइड हो जाए और स्क्वायर नंबर भी हो, हमें वो ढूंढना है। तो उसको ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, हमने लिखे इसके फैक्टर्स, 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5। अब देखो स्क्वायर नंबर होने के लिए पेयरिंग पूरी होनी चाहिए, मैंने आपको पहले वीडियोस में भी बताया कि अगर कोई स्क्वायर नंबर है, कंप्लीट स्क्वायर है, तो उसके पेयर पूरे होंगे, जैसे ये एक पेयर हो गया, 3, 3 का एक पेयर हो गया, लेकिन यहाँ पे 2 अकेला है और ये 5 अकेला है, ये दोनों अकेले अकेले हैं, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे इसमें 2 और मल्टीप्लाई करना होगा और इधर 5 और मल्टीप्लाई करना होगा, तभी एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो अल्टीमेटली ये पूरा तो है 3600, ये पूरा नंबर, उस 3600 इसमें मुझे 2 और 5 और मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी, 2 × 5 कितना होता है, 10 होता है, तो 360 × 10 करेंगे तो योर आंसर विल बी 3600। अब ये पूरा स्क्वायर नंबर है, किसका है देखो वो भी आपको इजीली पता चल जाएगा, 36 होता है 6 का स्क्वायर और 0 0 से 1 0 लगा दो, 60 का कंप्लीट स्क्वायर है ये, ठीक है। सो 3600 इज द स्मॉलेस्ट नंबर जो कि 8, 9, 10 तीनों से डिवाइड हो जाएगा, प्लस ये एक स्क्वायर नंबर है, तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 18265 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द रिजल्टिंग नंबर। तो दो क्वेश्चंस हैं, दो सवाल पूछे गए हैं, पहले वाले पे ध्यान देते हैं, फाइंड द लीस्ट नंबर, लीस्ट मतलब सबसे छोटा नंबर आपको निकालना है, इसको ध्यान रखना, विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, जिसको हम माइनस करें इस नंबर में से टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि 18265 में से क्या माइनस करें कि वो जो नंबर आए वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। अब सबसे पहले मुझे पता है परफेक्ट स्क्वायर जब हम निकालते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से, तो हम क्या करते हैं, हम वही चीज यहाँ पे शुरू करेंगे, मैं स्टार्ट करती हूँ। ओके सबसे पहले 18256 का स्क्वायर निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सबसे पहले पेयरिंग करेंगे, ये दो पेयर हो गए, ये दो पेयर हो गए, ये हो गया। अगर लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता है तो इससे पहले वाली वीडियोस प्लीज देख लेना, उसमें मैंने स्क्वायर रूट निकालना अच्छे से सिखाया है स्टेप बाय स्टेप। सो पेयरिंग के बाद जो फर्स्ट नंबर है वो किसका स्क्वायर है आपको लिखना है, या उससे कोई छोटा स्क्वायर हो तो यहाँ पे 1 ही है, तो इधर भी 1 लिखोगे और इधर भी 1 लिखोगे, एंड 1 1 इज 1, ठीक है। अब इसको माइनस करोगे तो विल गेट अ 0, और ऊपर से पूरा पेयर कैरी करेंगे, 82 आ जाएगा आपका नीचे। अब जो भी ऊपर होता है यहाँ पे इसको आप डबल कर दो, तो 1 2 2 हो गया। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि मेरे पास 82 आ जाए यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा नंबर लेट्स से 20 मान लेते हैं इसको, तो 20 कितनी मल्टीपल, कितनी बार में 80 के आसपास पहुंचेगा, 4 टाइम्स में, तो 4 से करके देखते हैं, तो 4 4 इज 16, 1
फोर टू ज़ा एट नाइन, 96, ये तो ज़्यादा हो गया। हमें ऐसा नंबर चाहिए जो 82 हो या 82 से छोटा हो, तो ये तो काम नहीं कर रहा है। हम देखते हैं इसको 3 से करके, दो नंबर मतलब एक नंबर ऐसा ढूंढना है जो दोनों जगह सेम आएगा, ठीक है, सेम ही लिखना है आपको। अगर यहाँ 3 तो यहाँ पे भी 3, तो 3 3 इज़ 9 एंड 3 2 ज़ा 6, 69, ये है 82 से छोटा। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे 82, सॉरी 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 69, ठीक है। और कब आया है ये, 3 से मल्टीप्लाई करने पे, तो इधर भी 3 और इधर भी 3, राइट। नेक्स्ट स्टेप होगा आपका, नेक्स्ट स्टेप इज ये जो ऊपर लिखा है इसको आप कर दो मल्टीप्लाई 2 से, तो 13 का डबल होगा 26। अब 26 को, अच्छा माइनस भी करना है यहाँ पे, 82 में से 69 माइनस होगा, यू विल गेट 13, और ऊपर से ये 56 आप उतार लो, तो ये 5 और 6 भी इधर आ गया। 26 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ दोनों तरफ सेम नंबर से कि आंसर 1356 आए या उससे छोटा आए, ठीक है। तो ट्राई करते हैं हम लोग, लेट्स से इसको मान लेते हैं 200, ठीक है, 200 या 250 के आसपास। तो कितना बार मल्टीप्लाई होगा, तो ये 1000 या 1300 के आसपास आएगा, तो 250 250 250 पाँच बार लगभग मल्टीप्लाई होने पर 1300 के आसपास आ रहा है। तो यहाँ पे भी मैं 5 लिखूंगी और यहाँ पे भी 5 लिखूंगी, देखते हैं क्या बनता है। 5 5 इज 25, 5 6 इज 30, 32, 2 एंड 3 इधर, 5 2 इज 10, 11 12 13, 1325 आया, थोड़ा सा कम है, तो 1325 हम यहाँ पे लिखते हैं। और ये कब आया है, 5 पे, तो 5 इधर भी और 5 इधर भी, राइट। अब हम इसको माइनस करेंगे, सो ये होगा 6 में से 5 जाएगा, यू विल गेट, अच्छा ये मैंने यहाँ पे उल्टा लिख दिया शायद, 65, नहीं नहीं ठीक है ठीक है ठीक है, ओके इसको माइनस करते हैं। 16 में से 5 गया, 6 में से 5 गया, यू गेट 1, 5 में से 2 गया, यू गेट 3, ठीक है। 31 जो है आपका रिमाइंडर है, रिमाइंडर है, ठीक है। अब ये 31 आप आगे सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि आप कैरी लेने के लिए आपके पास कुछ नहीं है और पॉइंट में जाना नहीं है हमें, ठीक है। हमें बस ये बताना है क्वेश्चन में कि किसको माइनस करें हम इस नंबर में से, 18265 में से हम किस नंबर को माइनस करें कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाए। अब इस लॉन्ग डिवीजन से हमें ये समझ आया कि अगर मैं इस 18256 56 में से 31 को माइनस कर देती, यानी 31 को एक्स्ट्रा ही हटा दूं अगर मैं, तो मेरा जो नंबर बनेगा वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, ठीक है। तो 18265 में से 31 को माइनस करो, यू विल गेट 4 3 2 8 1, तो 18234 हमें एक नंबर मिला है जो हमें ये बोलता है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है किसका। अब आपको आंसर मिल ही गया होगा किसका, 135 का, ये जो अभी हमने निकाला है। अगर ये 31 इसमें नहीं होता तो ये यहाँ पे फिनिश हो जाता, जीरो आ जाता, ठीक है, इस स्टेप पे खत्म हो जाता, लेकिन 31 अभी भी बचा यानी एक्स्ट्रा था, तो 31 को हटाया और जो नंबर आया वो है हमारा 18234, किसका स्क्वायर है, 135 का। तो अगले पार्ट में देखो क्या पूछ रहा है, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द रिजल्टिंग नंबर, जो भी नंबर आया उसका रूट निकालो, तो ऑलरेडी निकला हुआ ये रहा 135, ठीक है। सो 135 आपके सेकेंड पार्ट का आंसर है और फर्स्ट पार्ट का आंसर है 31। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू 306452 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि कोई एक ऐसा नंबर निकालना था जिसमें हम किसी नंबर जिससे हम किसी नंबर को सब्ट्रैक्ट करें तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। इसमें पूछ रहा है कि इस नंबर में मैं क्या ऐड करूं कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसका ना लॉन्ग डिविजन मेथड से स्क्वायर रूट निकाल रही हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, ठीक है। सो 306452 को हम डिवीजन के साइन के अंडर रखेंगे, फिर पेयरिंग करेंगे और अपना लॉन्ग डिवीजन मेथड शुरू करते हैं। 30 से छोटा स्क्वायर नंबर होता है आपका 25, तो 5 × 5 होता है 25, माइनस करोगे यू विल गेट अ 5, 64 को आप ऊपर से कैरी करोगे। देन ऐसा नंबर ढूंढना है, सॉरी देन इस 5 को डबल कर दो, तो 5 का डबल होगा 10, सो 10 को किससे मल्टीप्लाई करें कि
कि मेरे पास 564 आ जाए, ठीक है। तो 10 को देखो, ये 100 मान लो, इसको 500 के आसपास आ रहा है, तो 5 से मल्टीप्लाई करके देख लो, ठीक है। 105 इंटू 5 कितना होगा, 1525, राइट। सो यहाँ पे लिखोगे 525, और कितने पे गया ये, 5 पे, और ये भी 5 पे, ठीक है। सो इसको माइनस करेंगे, यू विल गेट अ 39। देन आप ऊपर से 52 को कैरी करोगे, तो 3952 हो गया ये। नेक्स्ट इज, ये जो ऊपर 55 है इसको पूरा डबल कर दो फिर से। 55 का डबल होगा 110। 110 को किससे मल्टीप्लाई करें, देखो क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो डरना नहीं है, आपका तरीका ठीक है तो करते रहो, ठीक है। 110 को यहाँ क्या नंबर में दोनों जगह सेम लिखूं कि 3952 आ जाए या उससे कुछ छोटा आ जाए। तो देखो ये 3000 समथिंग है और ये 1000 मान लो इसको, तो 3 से ऑब्वियसली दिख रहा है मुझे, तो 3 से करके देखते हैं, 4 से करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। सो 3 3 9, 3 0 0, और 3 1 3, एंड 3 1 3, तो 3 3 0 9, तो 3 3 0 9 यहाँ पे लिखते हैं, कब आया है, 3 पे, तो इधर भी 3 और इधर भी 3, ठीक है। इसको माइनस करोगे तो, अच्छा इसको माइनस करने की अभी जरूरत नहीं है, मैं अब आपको समझाती हूँ कि हम क्यों कर रहे हैं, हम ये हमने ये लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट क्यों निकालने की कोशिश की है, ठीक है। मुझे यहाँ से एक बात समझ आई कि ये जो नंबर दिया हुआ है ना, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। 306452 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, लेकिन इससे कुछ कम, मतलब इसमें से अगर मैं कुछ माइनस कर दूं, तो कोई नंबर 553 का स्क्वायर है, ठीक है। 553 का क्यों मैंने बोल रही हूँ, क्योंकि मेरे पास यहाँ ये नंबर आया है, ठीक है। तो 553 का कोई नंबर स्क्वायर है। अब ये जो नंबर है इसके बाद आता है 306452, और इसका जो नेक्स्ट स्क्वायर होगा, नेक्स्ट स्क्वायर नंबर होगा, वो होगा 554 का स्क्वायर। ऑब्वियस सी बात है, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड। मैं इस नंबर में कौन सा नंबर ऐड करूं, कौन सा नंबर ऐड करूं कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए, तो मुझे इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकाल कर देखना पड़ा, जिससे मुझे आइडिया हो कि ये अभी किसका, किसके स्क्वायर के आसपास है, किसके रूट के आसपास है। तो मुझे पता चला ये 553 का स्क्वायर है, लेकिन उससे बड़ा नंबर है। कितना बड़ा है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, अभी मुझे पता है उससे बड़ा है। तो 5 अगर मैं इस नंबर में से कुछ माइनस करूंगी तो मुझे ये मिलेगा, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा इसका। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपको कुछ प्लस करना है, क्या प्लस करें, अब वो कैसे पता चलेगा। तो अगर मुझे इस नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा 554 का। अब 554 का परफेक्ट मतलब स्क्वायर होता क्या है, तो आप पहले एक बार मल्टीप्लाई करके देख लो, 554 इंटू 554, इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, यू विल गेट 306916, ठीक है। ये इसका स्क्वायर है। तो 306916 जो है ये स्क्वायर नंबर है इसके बाद वाला, ठीक है, इसके बाद वाला। तो अब आपको बस ये देखना है कि कितना ऐड हुआ है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन गया। तो कैसे देखोगे कितना ऐड हुआ है, इन दोनों को माइनस कर दो, यानी कि इस नंबर से ये वाला नंबर कितना बड़ा है, कैसे पता चलेगा, माइनस करके। सो 306916 में से माइनस कर दो 306452। जब आप माइनस करोगे यू विल गेट 464। तो 464 इज योर फाइनल आंसर। अगर मैं इसमें 464 ऐड करूंगी तो ये बन जाएगा 306916, जो कि 554 का परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो 464 आपका आंसर है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे, इससे पहले वाली वीडियोस भी देख लेना, थोड़ी और क्लैरिटी आ जाएगी। ये वीडियोस बाद में देखना, ये वाली वीडियो, आज वाली वीडियो ये बाद में देखना, जब आपको स्क्वायर रूट निकालना, प्राइम फैक्टराइजेशन, बेसिक कॉन्सेप्ट ये सब क्लियर हो जाए, क्योंकि ये जो है थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ें हैं, बच्चों को तब तक समझ नहीं आता जब तक बेसिक क्लियर ना हो, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, एक बार प्रैक्टिस ज़रूर करना इन क्वेश्चंस को देखकर, खुद से बिना देखे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।